मामा की तबीयत तो ठीक है ना? इस तरह घर बंद क्यों है? क्या हुआ? ताला क्यों लगा है? तो मामा जी को कॉल करके पूछ क्यों लेती? उन्हें बताना तो होगा ना कि हम यहाँ कुछ दिन रहने आए हैं। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन एक बार कॉल करके वो देखो, शायद उनका गुस्सा शांत हो गया हो। मुझे तो, मैं बात करता हूँ। उन्हें अगर डांटना होगा तो मुझे डांट देंगे। यही नंबर है ना? नरेन बाबू, फोन करने की जरूरत नहीं है। पड़ोस वाली सुषमा आंटी के पास हमारे घर की चाबी हमेशा रहती है, मैं उन्हीं से मांग के लाती हूँ। पूजा, सुषमा आंटी को अगर पता चला कि मैं नरेन बाबू के साथ यहाँ आई हूँ तो पूरी कॉलोनी में ये बात फैला देंगी। नरेन बाबू, मैं जब तक लौट के नहीं आती आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। कुसुम कह रही थी भाई साहब का चेकअप होना है, हॉस्पिटल ही गए होंगे। तुमने आने से पहले उन्हें फोन नहीं किया था? नहीं, अचानक प्लान बन गया था आंटी। सामान नहीं लाई? आंटी मैं प्लीज चाबी ले लूं? थैंक यू। पूजा कहाँ रह गई? बाहर देख कर आता हूं। नरेन बाबू आप बाहर क्यों आए? मैंने मना किया था ना निकलने। हाँ लेकिन चलिए। हे भगवान, ये लड़की तो सारी शर्म हया ही बेचारी है। कैसे छुप-छुप के लड़के को लेकर घर में घुस रही है। रिलैक्स राहुल, रिलैक्स। ईश्वर को खोजना अगर इतना आसान होता तो न जाने अब तक कितने लोगों के पास उनका पता होता। सदियों से न जाने कितने ऋषि मुनियों ने घोर जप तप कर डाले, अपनी सारी उम्र लगा दी, लेकिन क्या आज तक कोई ईश्वर का प्रमाण ढूंढ पाया है? छोड़ो दूसरों की बात, मेरी बात करते हैं। सालों साल की तपस्या के बाद मैंने जो सिद्धियां, जो शक्तियां प्राप्त की हैं, तो उस ऊपर वाले के एहसास के सामने एक छोटे से बिंदु मात्र है। और रही बात नरेन की, तो वो तो अभी एक नादान बालक है, उसकी खोज तो अभी शुरू हुई है। लेकिन गुरुजी आप, जानता हूं कि नरेन और पूजा दोनों जवाब की खोज में गए हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। और पूजा के मामा आखिर हैं तो इंसान ही। देखना, नरेन वापस तो लौटेगा लेकिन खाली हाथ, और फिर सीधा मेरी शरण में आकर नतमस्तक हो जाएगा। फिर सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक होगा। बस जब तक नरेन खाली हाथ वापस लौटता है, तब तक इस घर की थोड़ी सी काया पलट हो जानी चाहिए, जड़ों से। भाभी, आज कोई पूजा रखी है आपने? इस बार एक माँ खुद गुहार लगाएगी और कन्हैया को उसकी आवाज सुननी ही पड़ेगी। इस बार कन्हैया को मेरे बेटे को जवाब देना ही होगा, क्योंकि नरेन की हार एक सच्चे भक्ति की हार होगी। जी, मैं आज से भागवत का अखंड पाठ करूंगी। मतलब 24 घंटे बिना रुके? हाँ जी, जब तक नरेन की जीत नहीं होती मैं इस अखंड ज्योत के सामने से नहीं हटूंगी। मैं भी देखूं कब तक इनका दिल नहीं पसीजेगा। मेरे खाने का टाइम हो गया है, जो कुछ ही बनाओ दे दो। ये सौरभ और बाकी सब कब आने वाले हैं? कुछ बात हुई? नहीं, शायद डॉक्टर के यहाँ गए हैं। ठीक है, तुम मुझे बता दो, मैं कुछ बना लूंगा। नरेन बाबू, मामी को पसंद नहीं है कि कोई उनकी रसोई छुए, और ऊपर से चावल और आटे वाली अलमारी में भी ताला लगा हुआ है। तुम तब से इतना फॉर्मल की बिहेव कर रही हो, ये तुम्हारा घर नहीं। आप कभी कुछ समझते क्यों नहीं है? आप जानते हैं ना इस वक्त ये घर मुझसे नाराज है, फिर भी बार बार इस तरह पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ऊपर से आपने एक ऐसा चैलेंज ले लिया जिससे आज तक कोई जीत नहीं पाया, और ऊपर से आपके यहाँ आने की जिद। हर बात इतनी सरल नहीं होती, आप जितना उससे बना देते हैं। नरेन बाबू, मेरी बात मानिए, यहाँ से लौट चलते हैं और गुरुजी से कह देते हैं ये सवाल, ये शर्त आपको नामंजूर है। लेकिन ये सवाल मेरे भी तो है, आज तक इन सवालों के साथ भटकता आ रहा हूँ। शायद ये चैलेंज ही मेरी इस खोज का जवाब हो। पूजा, इस बार मुझे मेरा जवाब मिलेगा ना? बोलो ना। आप चलिए, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ। ये क्या हो रहा है? पापा लगता है घर में कोई घुसा आया। ये क्या सुषमा, हमारे घर में चोरी? चोरी नहीं कुसुम, ईश चल रहा है अंदर, और वो भी भरी दोपहर में। जब घर की जवान बेटी किसी लड़के के साथ घर के अंदर हो ना, तो उसे चोरी नहीं रंगरलिया कहते हैं बेटा। पूजा किसी लड़के के साथ घर के अंदर है, देख लीजिए। शर्मी देखिए इस लड़की की, पहले तो मना करने के बाद भी उनरहित होकर घर जाकर बस गई और अब मुंह उठाकर चली आई, वो भी उस दीवाने के साथ। मामी आप तो जानती हैं हम लोग यहाँ किस परिस्थिति में आए। नरेन बाबू इस वक्त बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। अब शायद मामा ही नरेन बाबू के जवाबों का रास्ता बन सकते हैं। क्या पर्दा पड़ गया है तुम्हारी आंखों पर? तुम कोई धूप पीती बच्ची नहीं हो जो सही गलत की समझ ना हो। बिन ब्याही लड़की पर कई बंदिशें होती है, लेकिन यहाँ तो खुली छूट मिली हुई है। एक लड़के के साथ पूरे शहर में सैर सपाटे चल रहे हैं, और उस लड़के की लीला भी देखिए, निकल पड़े भगवान को ढूंढने। अरे कोई ऐसी बहकी बहकी बातें करता है क्या? उसे कहो जहन्नुम में जाए, वही मिलेगा उसे भगवान। मम्मी मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं और आपके पास कारण भी है, लेकिन मेरी नाराजगी की सजा नरेन बाबू को क्यों? वो हम सबसे थोड़ा अलग है, इसीलिए हमें अजीब लगते हैं। मामा आप ही बताइए ना, जिस तरीके के हालात हो गए थे मैं उसमें और क्या करती? अपने घर ही तो आती ना। बस दी, इस घर को अपना कहकर हमारा मजाक मत उड़ा। ऐसा क्या जादू कर दिया उन लोगों ने कि उनके सामने तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? अपने बॉस की टेंशन है तुझे, पर एक बार भी तूने पापा के बारे में सोचा? उनकी तबीयत का ख्याल आया तुझे? रहने दो अनुज, अगर आया होता ना तो सरफिरे के साथ ऐसे चोरों की तरह हमारे घर में दाखिल नहीं होती। मामी आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। अनुज भाई तू तो समझ रहा है ना, मैं और नरेन बाबू बस। प्लीज सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। तेरे मन में हमारे लिए अपनापन ना बचाओ, लेकिन तेरे लिए हमारे यकीन अब भी खत्म नहीं हुआ। जरूर हमारे अपनेपन में कमी रह गई होगी, इसलिए तुझे उस घर का पानी ज्यादा भारा है। अनुज सही कह रहा है, सारे पड़ोसियों को आज के कांड की खबर लगी गई है। जब पूरे देहरादून में आग की तरह बात फैलेगी तब कहाँ जाएंगे मुंह छुपाने? मैं तो कह देती हूँ अभी के अभी मेरे साथ चलो और उस लड़के को घर से बाहर निकाल दो, और अगर उसे निकालने में तुम्हारी जान निकल रही है तो खुद भी निकल जाना उसके साथ। चलो मामा, मामा नरेन बाबू इस वक्त बहुत नाजुक स्थिति में। अगर वो जवाब के साथ नहीं लौटे तो पता नहीं गुरुजी उनका किस तरह फायदा उठाएंगे। और मामा आप ही कहते हैं ना, किसी जरूरतमंद की हेल्प करना रामायण भागवत के पाठ करने से भी बढ़कर है। मामा नरेन बाबू सारी उम्मीदें लेके आपके पास आए हैं, लेकिन पूजा नरेन के सवालों का जवाब तो पूरी सृष्टि के पास भी नहीं है, फिर मैं उसे क्या राह दिखा पाऊंगा? और देख लड़की, अच्छाई एक तरफ, व्यावहारिकता एक तरफ। मैं तेरी मामी की बात भी समझ रहा हूं, तू लाख सही हो, लेकिन हम लोगों की जुबान नहीं रोक सकते। और मुझे नहीं लगता लड़की के मैं नरेन बाबू की किसी भी तरह से मदद कर पाऊंगा। मामा, नरेन बाबू बहुत ही जिद्दी हैं। वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। कुछ नहीं तो बस थोड़ी देर के लिए उनकी दुविधा सुन लीजिए। हो सकता है उन्हें सुनने के बाद आप कोई रास्ता सुझा पाए। तू चाहती है तो ठीक है, नरेन बाबू 2 दिन के लिए और यहाँ रुक सकते हैं। 2 दिनों में उनका मन शांत हो जाएगा, उसके बाद उन्हें लौटना होगा। मैं ऐसे लड़के की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन मामा बस 2 दिन में तो देख लड़की, नरेन बाबू बहुत ही भले आदमी हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं समझ पाएगा। और उन्हें यहाँ रोककर मैं रोज रोज घर में कलेश नहीं करना चाहता। नरेन की लड़ाई उसकी दोनों मां मिलकर लड़ेगी भाभी। भाभी अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, तब तक मैं पाठ करती हूँ। भाभी ये संकल्प अकेले आपका नहीं है, जीत नरेन की ही होगी। तो नहीं आप 2 मांओं की आवाज कैसे अनसुनी कर पाएंगे। मुझे तो सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है गुरुजी। यहाँ नरेन ने नाक में दम करके रखा हुआ है। उसके रोज रोज के तमाशों की वजह से इस कदर परेशान हो गया हूँ कि ऑफिस की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफें तो आनी जानी। इस वक्त तो तुम्हें अपनी सारी चिंताओं को किनारे करके अपने आप को थोड़ा शांत करने की जरूरत है, क्योंकि आगे बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़नी है तुम्हें। तो फिर आप ही कोई रास्ता दिखाइए गुरुजी। अरे रास्ता तो तुम्हें ईश्वर ने दिखा के रखा है। अभी तो फिलहाल तुम इतना करो कि अपनी सारी चिंताओं को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए तुम मेरी शरण में आ जाओ। नरेन को मैं संभाल लूंगा। वही बात ऑफिस की, तो राहुल जैसा स्मार्ट और शार्प बिजनेसमैन है, तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? जानता हूं कि तुम्हें राहुल पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपना काम निकालने के लिए थोड़े दिनों के लिए अपनी कंपनी की बागडोर उसे सौंप दो। डोंट वरी हरीश, जो नरेन का है वो भला तुमसे कोई छीन सकता है? हेलो, राहुल का नाम लिया और राहुल आ भी गया। गुरुजी आपके लिए जूस। राहुल सुनो, इधर आओ। देखो राहुल, तुम्हारे ताऊ जी ने मेरे विश्वास पे तुम्हें नरेन की अमानत सौंपी है। मुझे नहीं पता मेरे जवाब कहाँ मिलेंगे। पहली बार आपसे ऑफिस में बात हुई तो ऐसे सब्जेक्ट्स में आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यू ने मुझे एक नई दिशा दी, इसीलिए मेरे कदम खुद में खुद यहाँ आपके पास आ गए। सर सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं, आप ही मुझे बता सकते कि मैं कैसे महसूस करूँ ईश्वर को। सर प्लीज सर। देखिए नरेंद्र बाबू, इस वक्त तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हम बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ चलिए अंदर चलिए और आराम कीजिए। अस्पताल से आए नहीं कि सर पर सवार हो गए, इतने भी क्या ना समझी। चलिए अंदर। खुशी कहाँ है कौन जाने, कभी दूसरों की पसंद चख कर तो देखो, कभी किसी और के रंग पहन कर तो देखो। खुशी कहाँ है कौन जाने, कभी किसी और के लिए ढल कर तो देखो।